हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो सभी भाइयों और बहनों को। इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे भारत में इनकम टैक्स वाले देने वाले जो लोग हैं उनके बारे में, और उसके अलावा क्या भारत के लोग इनफ टैक्स देते हैं वगैरह वगैरह। देखिए भाइयों, ये अक्सर सवाल आता है जिसमें भारत की ये मौजूदा भाजपा सरकार और उनके भक्त आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे, जम जम के बेवकूफ बनाएंगे। तो ये टॉपिक उठते रहता है फेसबुक वगैरह के, अक्सर मैं पोस्ट देखता हूँ ग्रुप्स वगैरह में जहां इस प्रकार का टॉपिक उठा के लोग आपको बेवकूफ बना के गुमराह कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाऊं ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिले और आप समझ सकें कि गेहूं क्या है और घून क्या है, दूध क्या है और पानी क्या है और मलाई क्या है, इस बीच में फर्क समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, मिथ क्या है। अक्सर ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि भाई भारत को कैसे भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, यहां तो टैक्स देने वाले लोग बड़े कम हैं, मात्र 2% लोग टैक्स देते हैं, 3% लोग टैक्स देते हैं, तो कैसे भारत सरकार बढ़िया सड़कें बनाए, बढ़िया बिल्डिंगें बनाए, बढ़िया स्कूल बनाए, बढ़िया अस्पताल बनाए। आप लोग कैसे अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं भाई साहब, जबकि अमेरिका में टैक्स देने वाले 70% लोग हैं, आपके यहां तो 2% लोग टैक्स देते हैं, तो कैसे भारत अमेरिका बनेगा। जी हाँ, ये चीज आप अक्सर सुनते होंगे भारत में, खास करके पिछले 6 साल में भाजपा सरकार में इनके आईटी सेल वाले काम पे लगे रहते हैं, कुछ और बुद्धिजीवी भी होते हैं जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं होती है, टैक्स का कोई ज्ञान नहीं होता है, सोशल मीडिया पे आते हैं कुछ भी बकवास बोलते हैं। तो मैं आज जरा इस सवाल का आपको जवाब दे दूं, दूध को दूध, दूध में मलाई को मलाई, और दूध भरी मलाई भरी दूध में जो पानी है उसको अलग निकाल सकूं। ठीक है, जवाब देता हूं। पहली बात, भारत में 2% 3% लोग टैक्स नहीं देते हैं। बात किया जाए, पहली बात, टैक्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। यहां पे बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स देने वाले भारत में लोग 2% 3% नहीं है, इनकम टैक्स भारत में देने वाले आज 2019-2020 में 8.5% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये जवाब, 3% 2% नहीं, 8.5% लोग इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे अमेरिका में तो 70% लोग टैक्स देते हैं इनकम टैक्स, भारत में चलिए 2% नहीं, 8.5% लेकिन 8.5% है, तो बहुत कम है, तो कैसे बनाएंगे भारत को अमेरिका। तो मैं जवाब देता हूं, सुनिए इसको ध्यान से समझिए। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 300 मिलियन, यानी 30-35 करोड़ की पॉपुलेशन है अमेरिका की। उन 30-35 करोड़ में से 70% लोग टैक्स देते हैं, तो अगर 35 करोड़ में से 70% लोग टैक्स देते हैं भाइयों, तो कितने लोग टैक्स देते हैं, 20 करोड़ लोग चलो टैक्स देते हैं। ठीक है, हो गया बात, बहुत बढ़िया बात। अब भारत की बात करते हैं, भारत की पॉपुलेशन 137 करोड़ की है, 137 करोड़ में जब 8.5% लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो वो 8.5% का आंकड़ा आप समझते हैं कितना होता है, करीब 15 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। जी हाँ, 15 करोड़ लोग भारत में भी इनकम टैक्स देते हैं, अमेरिका में 20 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिले, अमेरिका को फ्री हुए, अमेरिका को स्वतंत्र हुए 200 साल हो गए, भारत को अभी 75 साल भी नहीं हुए हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स देने वालों में फर्क इतना ही है कि भारत में 15 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं और अमेरिका में 20 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूं ये एक सवाल जो अक्सर उठते आता है, इसका जवाब आज आपको दूध का दूध, पानी का पानी और मलाई का मलाई मिल गया होगा। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पे आता हूं। बात आपको किस प्रकार से गुमराह की जाती है कि भारत में तो इतने ही लोग टैक्स देते हैं, बस 2%, तो मैंने आज बता दिया 2% नहीं 8.5%, तो बात इनकम टैक्स की हो रही है। अब समझिए, इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं है जिससे भारत देश चलता है या कोई भी देश चलता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, क्या एक इनकम टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपका वैट हो गया, आपका जीएसटी हो गया, आपका सेल्स टैक्स हो गया, आपका सर्विस टैक्स हो गया, आपका सेस हो गया तमाम तरीके का, हाँ वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है,
अब आ जाइए अमेरिका और इंडिया में, फिर कंपैरिजन करिए। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं भाइयों, ये देश का हर नागरिक देता है, भारत हो चाहे अमेरिका। अमेरिका के 35 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन है अमेरिका के 35 के 35 करोड़, माने 100% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। और भारत में 137 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे भी एक इंसान है, जो दो वक्त की रोटी भी जिसको नहीं मिल पाती है, 100 रुपए डेली का से भी नीचे कमाता है बेचारा, वो भी इनकम टैक्स भले ही नहीं देता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट टैक्स भारत का देता है। वो जीएसटी भी देता है, वो सेल्स टैक्स भी देता है, वो सर्विस टैक्स भी देता है, वो सेस भी देता है, वो हर प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स देता है। यही सच्चाई है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से कोई नहीं बच सकता। कारण ये, इनडायरेक्ट टैक्स आपको जाके कहीं देना नहीं पड़ता अनलेस जीएसटी हो। तो जीएसटी जहां आप कोई बिजनेस रन करते हैं आप जीएसटी भरते हैं, अलग बात है। लेकिन जीएसटी आपसे पेमेंट पहले ही ले लिया जाता है। कोई भी सामान खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं भाइयों, जहां जीएसटी अप्लाई करता है, तो जो प्राइस आप देते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, वैट इंक्लूड हो जाता है, सेल्स टैक्स इंक्लूड हो जाता है, सर्विस टैक्स इंक्लूड हो जाता है, सेस तमाम तरीके का इंक्लूड हो जाता है। समझ गए आप? तो ये इसमें आपके पास चॉइस नहीं होता। आप पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो पेट्रोल का दाम तो आजकल सिर्फ 18 रुपए का है, उसमें जीएसटी, उसमें सेल्स टैक्स, उसमें सेस वगैरह सब इंक्लूड होकर आपको 80 रुपए का मिलता है। तो 18 रुपया का पेट्रोल है और 62 रुपया का उस पर टैक्स आप दे चुके हैं। गरीब भी देता है, आप भी देते हैं। आप खाना भी खाने जाते हैं तो वहां भी तमाम तरीके का टैक्स आप दे चुके होते हैं। जो फाइनल बिल आप पे करते हैं उसमें आपने टैक्स दे दिया, तो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो कहने का मतलब 137 करोड़ भारतीय टैक्स भारत में देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब फिर कंपैरिजन करें, अमेरिका में तो सब देते हैं, इंडिया में तो कोई देता नहीं है, तो ऐसे क्या वैसे क्या? तो फिर जवाब देना चाहूंगा, अमेरिका में मात्र 35 करोड़ लोग हैं जो 35 के 35 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। भारत में 137 करोड़ लोग हैं, वो सारे 137 के 37 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, 75 साल से देते आ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक गरीब जो 50 रुपया पर डे का कमाता है वो भी देता है। इस बात को समझिए, बात आपके सामने कभी आएगी नहीं, आपको समझाई नहीं जाएगी, ताकि आपको गुमराह की जा सके और ताकि जो है बार बार आपको एक तरीके का नैरेटिव बनाया जा सके कि इस सरकारें जो है इसलिए आपके लिए अच्छी रोड नहीं बना पाती क्योंकि आप लोग टैक्स नहीं देते हैं। ये सब बकवास की बातें हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं ये वीडियो। भारत गरीब इसलिए है, इसलिए नहीं कि लोग इनकम टैक्स कम देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस 137 करोड़ लोग देते हैं और डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स 15 करोड़ लोग देते हैं। बहुत है टैक्स में पैसा जो आता है। भारत गरीब इसलिए है क्योंकि भारत के नेता चोर हैं, भारत के बाबू चोर हैं और भारत की जनता आप और मैं चोर हैं, इसलिए भारत गरीब है। और दूसरा, भारत के जो नेता है अनपढ़ गंवार क्रिमिनल्स हैं, निठल्ले निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कम्युनल और कास्ट लाइंस में डिवाइड करते हैं या रीजनलिज्म लाइन में डिवाइड करके आपको कहीं कहीं भटकाते हैं, इश्यूज से दूर ले जाते हैं, मुद्दों से दूर ले जाते हैं, ठीक है। एंड बॉटम लाइन ये है कि जब चोर चक्के क्रिमिनल्स अनपढ़ गंवार आपके नेता लीडर होंगे तो ये किस प्रकार की पॉलिसी बनाएंगे? घटिया पॉलिसी बनाएंगे। तो इनकी जो पॉलिसीज यानी नीतियां होती है वो बिल्कुल घटिया, किसी काम के नहीं होती है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज बहुत खराब होती है। इस कारण से भी भारत जो है पीछे रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े तो अच्छे नेताओं को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाइए। चोर चक्के क्रिमिनल्स, रेपेस, खूनी, डकैत, मर्डरर, दंगइयों नेताओं को पॉलिटिक्स में इलेक्शन नहीं जीतना दीजिए। हाँ, तभी भारत में चेंज आएगा। और टू बिगिन विथ, अगर बदलाव चाहते हैं तो आज ही से आवाज उठाना शुरू करिए। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। अपने घर में देखिए, मम्मी पापा चाचा चाची कौन कौन बिगट है, बिगट यानी कम्युनल है, कास्टिस्ट है, उन लोगों को कहिए आप कम्युनल है, आप कास्टिस्ट है, आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि पहले देखिए अपने घर में लोगों को सुधारिए, उसके बाद पड़ोस में सुधारिए, अपने अपने वर्क सेक्टर में सुधारिए, अपने अपने पूरे नेबरहुड में सुधारिए, फिर अपने क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राज्य में सुधारिए और फिर पूरे देश में ले जाके सुधार लाइए। ये भारत बदलेगा जरूर। ये सोने की चिड़िया था, अंग्रेजों ने इसको लूट लिया,
उसके बाद बिल्कुल गरीब हो गए, उसके बाद कुछ हमने प्रोग्रेस किया, लेकिन अब पिछले 6 साल से निकम्मी निठल्ली चोर भाजपा की भारत सरकार अब पावर में है, जो कि जिसने भारत को तो पूरी तरीके से खोखला और लूट लिया है। इनसे हमें बचाए, इनकी जल्दी छुट्टी करिए आप सभी भारतीयों, और एक नया भारत हम लोग बनाए, एक बेहतर भारत हम लोग बनाए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। आशा करता हूं जो आज मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में फर्क बताया, और कैसे बताया कि ये जो पूरा ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि आप टैक्स नहीं देते इसलिए भारत गरीब है, ये सब घटिया नैरेटिव है, ऐसा कुछ सच नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारत के नेता लोग चोर चक्के हैं, और दूसरा इनकी पॉलिसीज बहुत खराब है क्योंकि ये दबान है, तो क्या पॉलिसी अच्छी बनाएंगे? हाँ, और आप खुद कास्टिस्ट और कम्युनल हैं और इन बेवकूफों को इलेक्ट करते हैं, तो आप अपने अंदर भी जरा झांकिए और अपने में सुधार लाइए, अपने घर में सुधार लाइए, तो पूरे देश में सुधार आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद और जय भारत।